हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगा टॉप 10 रीजंस ऑन व्हाई यू शुड मूव टू कनाडा, सो स्टे ट्यून्ड। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीजन नंबर 1। अगर आप कनाडा में आ रहे हैं एज अ परमानेंट रेसिडेंट, आपको मिलता है फ्री हेल्थ केयर। यस, आपको और आपकी फैमिली को जो भी यहाँ कनाडा में आएंगे उनको कैनेडियन गवर्नमेंट फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड करेगी, विच मीन्स कि अगर आप बीमार होते हैं, आप अगर हॉस्पिटलाइज होते हैं, आपको कितने भी बड़े बीमारी हो, कैनेडियन गवर्नमेंट आपको किसी भी कैनेडियन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ चार्ज आपका पूरा एंड टू एंड इलाज करेगी। रीज़न नंबर 2, द रीजन नंबर 2 इज यू हैव द फ्रीडम टू लिव एंड वर्क, स्टार्ट योर ओन बिजनेस एंड डू वट एवर वर्क यू आर इंटरेस्टेड इन, एंड यू कैन डू दैट फ्रीली इन कैनेडा, विच मीन्स यू कैन मूव टू एनी प्रोविंस, यू कैन गो टू एनी प्लेस एंड यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस विथ योर PR कार्ड। रीजन नंबर 3, नाउ रीजन नंबर 3 मेरा बहुत फेवरेट है, बिकॉज रीजन नंबर 3 इज कनेडियन गवर्नमेंट आपके बच्चों को 1, 2, 3, 4 डजेंट मैटर कि जितने भी हैं, आपके बच्चों को फ्री ऑफ चार्ज एजुकेशन प्रोवाइड करती है। अब मेरा 2 साल का बच्चा है एंड आई नो कि अगर मैं आज इंडिया में उसे किसी भी अगर अच्छी स्कूल में अगर मैं एडमिशन दूंगा तो मुझे लाखों रुपए मुझे डोनेशन देना पड़ेगा, और एवरी ईयर मुझे उसके स्कूलिंग के, उसके ट्यूशंस के, उसके ट्रैवलिंग के मुझे एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। एंड ट्रस्ट मी, आपको तो पता ही है कि इंडिया में अगर आप अच्छा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं देन इट इज़ एक्सपेंसिव, बट ओवर हियर इन कनाडा अगर आप PR पे आते हैं तो आपके बच्चे को आप 18 साल तक कनेडियन गवर्नमेंट उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेगी फ्री ऑफ चार्ज। रीजन नंबर 4, नाउ रीजन नंबर 4 इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन के साथ साथ कनेडियन गवर्नमेंट चाइल्ड सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है। यस, आपने कहीं सुना होगा या आपको कहीं पता चला होगा, एंड दैट्स ट्रू, कनेडियन गवर्नमेंट आपके हर बच्चे को चाइल्ड सपोर्ट प्रोवाइड करती है टिल द एज ऑफ 18। एंड ये बहुत ही स्पेशल एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा एंड उसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे। दिस इज स्पेशली फॉर यू नो कपल्स हु आर कमिंग हियर और प्लानिंग टू मूव टू कनाडा विद देयर चिल्ड्रन। रीजन नंबर 5, कनाडा इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट एंड सेफेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। यहाँ पे क्राइम रेट बहुत लो है एंड यहाँ पे लोग बहुत ही पीसफुल हैं, तो अगर आप एक बहुत ही पीसफुल एंड सेफेस्ट एनवायरनमेंट में मूव होना चाहते हैं दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू। रीजन नंबर 6, नाउ रीजन नंबर 6 इज यू कैन स्पॉन्सर योर फैमिली मेंबर्स विच इज योर पेरेंट्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स टू कनाडा। तो आप अपने फैमिली, अपनी वाइफ या अपने बच्चे ही नहीं पर अपने पूरी एंटायर फैमिली को आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं, आप स्पॉन्सर कर सकते हैं इन कनाडा एंड यू डोंट इवन हैव टू वेट फॉर कैनेडियन सिटीजनशिप फॉर दैट। रीजन नंबर 7, इज बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। यस, यू विल गेट द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, क्लीन बीचेस, क्लीन रोड्स, द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो दैट इज़ प्रोवाइडेड बाई द गवर्नमेंट इज टू द नेक्स्ट लेवल। तो अगर आप कनाडा आएंगे तो आप ये डिफरेंस पहले ही हफ्ते में आप समझ जाएंगे। रीजन नंबर 8, जॉब सिक्योरिटी। यस, कोविड के टाइम पे जब कनाडा में एंड ऑल ओवर वर्ल्ड में जब बहुत लोगों ने अपने जॉब्स खो दिए थे एंड दे लॉस देयर जॉब्स, कनेडियन गवर्नमेंट ने हर एक बंदे के जिन्होंने अपना जॉब लॉस किया था हर एक के अकाउंट में $2,000 डाले थे। यस, ये $2,000 सिर्फ PR रेसिडेंट के लिए नहीं बल्कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने आए थे और जिन्होंने अपना जॉब वो लॉस किया था बिकॉज ऑफ ड्यू टू COVID-19, उनको कनेडियन गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे उन्हें हर महीने 2,000 दिए थे लगभग एक साल के लिए। यस, दैट्स ट्रू। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं जहाँ पे आपका प्रॉब्लम होता है तो कनेडियन गवर्नमेंट आपके लिए हमेशा रहती है। रीज़न नंबर 9, नेचर। यस,
कनाडा इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड एंड आप यहाँ पर जब आएंगे तो आपको यहाँ के बीचेस, पार्क्स, यहाँ पे जो लेक्स हैं वो आप देखकर आप मेसमराइज हो जाएंगे, आप सरप्राइज हो जाएंगे कि ये इतनी ब्यूटीफुल कंट्री में हम कैसे आ रहे हैं। एंड एवरीथिंग इज़ वेरी वेल कनेक्टेड ऑन रोड और थ्रू एयर, सो विच मीन्स आप कनाडा में, पहली बात तो कनाडा बहुत बड़ा कंट्री है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए हैं, तो अगर आप नेचर लवर हैं तो कनाडा इज़ अ प्लेस फॉर यू। रीज़न नंबर 10, रीज़न नंबर 10 मेरा अगेन बहुत फेवरेट है, यू कैन बिकम अ कैनेडियन सिटीजन। येस, अगर आप भी आते कनाडा पे आते हैं और आप चाहते हैं कि आप कनाडा में फॉर एवर एंड एवर रहना चाहते हैं और आपके आगे के जनरेशन को भी यहीं पे कंटिन्यू कराना चाहते हैं तो आप कैनेडियन सिटीजन भी बन सकते हैं एंड यू आर वेरी मच एलिजिबल फॉर दैट। सो गाइस, ये था टॉप 10 रीजंस ऑन व्हाई यू शुड मूव टू कनाडा एंड व्हाई आई मूव टू कनाडा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर पसंद आया है तो give a big thumbs up and do share with your friends जो Canada के लिए आना plan कर रहे हैं और Canada आना चाहते हैं and don't forget to subscribe to the channel। और guys, अगर आप Vancouver आ रहे हैं then you can follow me on my Instagram page which is in the description box and आप मुझे message कीजिए, हम मिलेंगे, coffee पे जाएंगे and आपकी story भी हम share करेंगे मेरे channel के through अगर आप interested हो तो। तो till then, see you in the next video, peace out। Up, I sold my soul a good price out of sight. My hoe got talent, right? Yeah.